वहीं देश भर में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार के विवादित तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की थी पिछले शुक्रवार को, जिसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने एक साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसको देखते हुए अब हरियाणा पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वह इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दे दी है। किसान संगठनों द्वारा एक साल पूरा होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि गुरुवार को किसान नेताओं के साथ बैठक की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं या उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो गया है। आज के दिन दिल्ली के बॉर्डर पर तमाम किसान सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में कहना गलत नहीं होगा, इस संख्या में बैठे थे बॉर्डर पर और अब भी बैठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले शुक्रवार प्रकाश पर्व के मौके पर आए, देश को संबोधित किया और 18 मिनट का उनका संबोधन था। 18 मिनट में वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए थे और ये कहते हुए नजर आए कि जो तीन नए कृषि कानून है उनको वापस लेते हैं। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट में भी इस पर मुहर लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक बाकी मांगे और पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन नहीं खत्म होने वाला है, चाहे एक साल हो, चाहे दो साल हो, चाहे तीन साल हो या फिर हमें यही बैठना पड़े। यानी कहा जा सकता है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। कानूनों की वापसी तो हो गई है लेकिन किसानों की वापसी होती दिखाई नहीं दे रही। एक साल से ज्यादा हो गए लेकिन किसान विरोधी सरकार जो लगातार अपने आप को हितैषी बताने का ढोंग करती रही, 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई आंदोलन में, लेकिन सरकार ने बात नहीं की, बातें नहीं मानी। अंततः जब 750 लोगों की जान चली गई तब उन तीन काले कानूनों को वापस करना पड़ा। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का जन विरोधी किसान विरोधी चेहरा है। उद्योगपति प्रेम में जो तीन काले कानून लाए थे जिसको लेकर अन्नदाता आज भी आंदोलनरत हैं, जब तक एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं बनती यह आंदोलन चलता रहेगा। अहंकारी भाजपा सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, किसान यूनियन के लोगों द्वारा जो संघर्ष चल रहा है वो एक साल होने को जा रहा है और इस पूरे साल में सरकार ने पूरी तरीके से उनके साथ सहनशीलता बरती। इन लोगों ने जो जो उत्पात करने थे कर लिए। अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी को सबके सामने आने के बाद देशवासियों से माफी मांगते हुए ये कहना पड़ा कि दिए की रोशनी की तरह साफ कानून को हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। ये वही कुछ लोग हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर वहाँ बैठे हुए हैं और एक साल कर से आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, अगर सरकार हमारी मुख्य मांगों को नहीं मानती, चाहे ये आंदोलन अगले एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक भी चले, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही पूरे देश को संदेश है, यही सरकार को संदेश है और हम कहना चाहते हैं इस सरकार को कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि एक साल से किसान संघर्ष कर रहा है और हमारे जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए, MSP पर कानून बनाया जाए ताकि किसान अपनी फसल को अपने दाम पर बेच सके, उस MSP से नीचे कोई फसल ना खरीद सके।